धान खरीदी केंद्रों पर नमी मापक यंत्र से किसान परेशान हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि केंद्र प्रभारी की लापरवाही के चलते नमी के नाम पर कटौती आम बात हो गई है। धान खरीदी में तरह तरह के बहाने बनाए जाते हैं, जिससे धान खरीदी केंद्रों पर किसानों को ध्यान बेचने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। किसानों ने कहा कि केंद्रों पर नमी मापक यंत्र से धान के नमूने की जाँच करके धान में नमी बताकर रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, या फिर कटौती देने पर ही खरीदा जा रहा है। किसानों ने आरोप लगाया है कि केंद्र के प्रभारी मनमानी कर रहे हैं और किसानों से कटौती कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार PW78 केंद्र प्रभारी द्वारा चार गांव के धान नहीं खरीदे जा रहे हैं, जिसके चलते हर ये जो चार गांव हैं इनके किसान काफी ज्यादा आक्रोशित होकर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है। मेरा पहले ट्रिप में लिया 16 पॉइंट आ गया, दूसरा ट्रिप में लिया 17 पॉइंट आ गया। 17 पॉइंट में वो झुकती के कारण में उन लोग मेरे काट दिए। मैं पहले नहीं बताया क्या काटूंगा करके। 75 नंबर जो खारी है, फार्मूल से हमारे किसान लोगों से बहुत बच्चों की किया है, महिला लोगों से बच्चों की किया है। दूसरा बात, वो जो टोकन काटा जाता है तो दूसरा किसी के नाम से काटने के बाद बोलते हैं कि ये तो एक ये जो टोकन है इसका आधा धन हमको देना। अब उसके लिए हम लोग अभी लैब के सामने खड़ा हूँ किसान के साथ, तत्काल उसको बर्खास्त किया जाए, हटाया जाए, तभी किसान मानेंगे, नहीं तो हम काल के धरना पे बैठे। 78 के बारे में यही कहना है कि टोकन काटने के लिए मैं बोल दिया हूँ, अभी टोकन काटना चालू है और 27 तारीख के पहले सभी लोगों का टोकन दे दिया जाएगा।